अस्सलाम वालेकुम सभी, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग जो है भाई वो हलीम वाला व्लॉग है 10 मुहर्रम। जैसे कि आपको पता है कि हमें 10 मुहर्रम को करना था हलीम का लंगर, तो पहले हलीम बनाएंगे और फिर उसके बाद जब वो बन जाएगा ना, उसके बाद वो फिर डिस्ट्रीब्यूशन पे जाएगा। तो नीचे जो है अभी वो गाय कट रही है, तो चलते हैं नीचे, देखते हैं क्या सीन है क्या नहीं है। पापा मुझे बुला रहे और कसाई वगैरह भी सारे आ चुके, तो लेट्स गो। चलो 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 वहीं पर देख वगैरह लगेगी। गोश्त कटने में, देख लगने में प्रोसेस है पूरे 5 या 6 घंटे का। बच्चों क्या हो रहा है आज हलीम में, नीचे आना ठीक है? हलीम हलीम पता है क्या होता है? एक डिश होती है फूड की, बता देना इसको। मुझे पता है पर बासिल है। बासिल से मिलना है? हाँ जल्दी आओ, मिल लो, आ जाओ जल्दी आओ। अरे बासिल तो खाना खा रहा है। हाँ मिल सकते हो, आ जाओ जाओ, जल्दी मिल लो, जल्दी मिल लो, जल्दी मिल लो, जल्दी मिल लो, शाबाश, जल्दी मिल लो, जल्दी मिल लो। तो अब हम आपको मिलते हैं 11 बजे या 12 बजे रात के, फिर रात के 12 बजे से बनना स्टार्ट होगा, फिर ये बन जाएगा 5 या 6 बजे तक। तो भाई हलीम की तैयारी जोरों शोर से चलना शुरू हो गई है, रात हो चुकी है यहाँ पर, और ये लगा दिया ऊपर बारिश के लिए ताकि बारिश ना हो। और यहाँ पर 1 2 3 4 होंगे मैक्स अंदर बन रहा है अभी कौरमा, और यहाँ पर सारी लकड़ियाँ भी आ गई हैं, वो बड़ी सारी लकड़ियाँ। पापा तो नीचे ही है, मेरी दादी घर में आई हुई है, तो हम दादी के साथ बैठे हुए थे। वाह भाई वाह, डांस हो रहा है भाई, पागल हो गए बच्चों का। अरे भाई क्या बात है, देखते कौन जीतता है। चलो भाई फोड़ो, किसका सर फूटने वाला है? अबे तुम भी तो करो ना, तुम भी तो मारो। अबे किसी का भी नहीं फूट रहा, चलो ना। ओए वाह जुड़ भाई, आहा किंगू पिंगू, आप अपने वॉकर में एंजॉय कर रहे हो अकेले अकेले? बंदर अकेले अकेले डांस कर रहा है भाई। आज हलीम बनाने के जो हमारे शेफ है वो है जावेद भाई। लेकिन वैसे जावेद भाई के पान मशहूर है, लेकिन आज हम हलीम भी देखेंगे कि मशहूर है या नहीं है। हलीम भी मशहूर है इनके हाथ का। अच्छा तो अभी ये कोरमा बन रहा है? कोरमा बन रहा है भाई, अभी तो कोरमा में सब तक चीजें डाल दी उन्होंने। अच्छा गोश्त अंदर डला हुआ गाइस, उसके ऊपर सारे मसाले डल रहे हैं, एक के बाद एक मसाला, एक के बाद एक मसाला, और ये आ गई भाई सारी दालें। यहाँ अभी सारी मिक्स हो गई है, ये गुल ये अभी बॉयल होंगी। अच्छा अभी बॉयल होंगी। यहाँ कट रही है प्याजे। ओह हो हो, आज का सबसे मेन आइटम गोटा। अरे कौन आया है हलीम बनाने? वाह 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 भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एक आग लग गई है। अरे अरे बड़केगी बड़केगी, पेट्रोल डाल रहे। ओ वाह वाह वाह, लग गई आग भाई, लग गई आग। एक मारो रख के टांग, टांग मारो टांग, अबे टांग, ये वापसी आके लगेगा। ओए लकड़ी टूट रही यार, ये मार ये चीज गुड। ओके जनाब, जो है भाई दाल वाल जो है पिस चुकी है थोड़ी सी, और अब जो है गोटा स्टार्ट हो गया है। ये गोटा कब तक लगेगा भाई? 2 घंटे लगेगा। 2 घंटा फिर हलीम बन जाएगा इंशाल्लाह। तो यार बंदे जो है काफी ज्यादा हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके गोटा लगा लेंगे, लेकिन अगर एक बंदा 2 घंटे तक लगाए मुसलसल की बॉडी बन जाएगी, लेकिन जो लगाएगा। तो मैं कोशिश करता हूँ थोड़ी देर तक लगाने का यार, तो मिलते आपको गोटा थोड़ा लगा कर, लेकिन पसीने पसीने हो जाएंगे। अरे 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 अरे, कितनी तेज हवा चल रही है भाई, क्या हो गया भाई? भाई सारी आंख बुझ गई हमारी, हवा जो है आंख बुझा रही है गाइस। और अभी तक मैं स्टील गोटे की लगा रहा हूँ। अरे भाई पानी आ गया भाई एक्स्ट्रा। अरे हमारे में क्यों नहीं डाल रहे पानी? बॉयल होगा, बॉयल होने के बाद डाले, वो कच्चा पानी है ना, इसलिए टाइम लगेगा। अच्छा गाइस पानी जो है ना वो सादा नहीं डलेगा, डायरेक्ट पहले वो पानी बॉयल होगा, देन उसके बाद दोबारा डलेगा। तो क्योंकि ना गोटते गोटते भाप निकलना, सारा पानी सारा उड़ जाता है, फिर पानी कम हो जाता है, फिर पानी डालते हैं। और अभी जो है ना सिर्फ और सिर्फ दाल है इसके अंदर गाइस, देख सकते हो आप। अभी इसके अंदर डलेगा कोरमा और फिर असल गोटा लगेगा, जिसमें हमें गोश्त जो है ना वो गोटना होगा, रेशा रेशा करना होगा। शाबाश शाबाश शाबाश। अरे वाह भाई वाह, छोटे छोटे बच्चे भी लगा रहे हैं। गुड गुड गुड, लगाओ लगाओ लगाओ। गाइस गाइस मशीन आ गई अचानक से। मशीन क्यों आ गई है? हाथों से गोटा लगाते रहे थे हम भाई, वो दाले जो है ना, दाले मशीन से जो ना सिर्फ दाले जो है ना वो होंगी। अच्छा। उसके बाद जो है ना वो यानी कोरमा डालने के बाद फिर आगे। अच्छा तो दाले मतलब पीस नहीं रही होंगी, तो इसलिए मशीन आ गई है। अगर मशीन नहीं लगाए हम तो फिर कितने घंटे लग जाएंगे? कम से कम 3 घंटे। फिर तो सुबह हो जाएगी। अच्छा भाई अगर मशीन नहीं लगाएंगे ना हम तो फिर हमें सुबह ही हो जाएगी। चल पड़ी है भाई मशीन, चल पड़ी है मशीन। वो भाई वहाँ से स्टार्ट हो रहा है। गाइस तकरीबन जो है दाल जो है ना वो सारी गुड़ चुकी है, तो अब जो है कोरमे की बारी है। कोरमे की देख आ चुकी है। चाचू टाइम क्या हो रहा होगा? टाइम हो रहा है भतीजे
3:33 और इंशाल्लाह तबारक व तआला 5 बजे तक गाड़ी घोटे स्टिल अभी भी 2-3 घंटे हैं, 6 भी बच सकते हैं। दोस्त बोस्त भी है भाई, गोटा लगाओ, गोटा शाबाश, गोटा लगाओ, गोटा गोटा जल्दी जल्दी। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ अलीम नहीं, गोटा साथ कौन है और अंदर? अरे एटूड भाई को छुपाया हुआ है भाई, गोटा लगाओ, गोटा शाबाश, जल्दी आओ, जल्दी आओ। नहीं मैं नहीं लगा रहा भाई। भाई क्यों नहीं लगा रहे तुम भाई? अभी मैं थक गया हूँ, आप लगाओ गोटा, मैं काम करता हूँ, ये बैठा हुआ आराम। नहीं नहीं मैंने बहुत गोटा लगा लिया, तुम्हारी बारी है। अच्छा हाँ जल्दी आओ, जल्दी आ जाओ। सो अभी ऊपर जा रहे हैं, देख रहे हैं भाई अभी बज रहे हैं फिक्स 4। देखते हैं भाई ऊपर सारे सो गए या उठे हुए, ये लोग भी वेट कर रहे हैं हलीम का, क्योंकि हलीम जो सुबह ही बनेगा। ये देखो थोड़ा बहुत जो है चीटे वीटे मेरे कपड़े भी आई है, बिल्डिंग में तो सन्नाटा हो गया, सब सो गए। अरे कोई भी नहीं आ रहा। उठी नहीं? नहीं मैं सो रही हूँ। टिंगू पिंगू किधर है? टिंगू पिंगू उठा, सो गया टिंगू पिंगू, इधर सारे सो गए। अरे भाई सब सो रहे हैं, सब ऐसी बोल रही है, पूरा अंधेरा अंधेरा हो रहा है घर में। भूख लगी, भूख लगी, भूख लगी, भूख लगी। कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं, मैगी बना दूं, हलीम ही खाऊंगा बस। पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा, डिहाइड्रेशन खत्म होगी। अरे याद आया, याद आया कि हमारे जूस भी होंगे यार, जो हमने आज बनाया था शरबत। ओए होए होए होए, अरे इतने सारे कहाँ से आ गए? बाहर से भी आए क्या? अरे ये मेरी अम्मी के घर का भी। अच्छा और जगह से भी आया है? ये हम पीते अपने वाला घर का। हम निकालो निकालो, बस 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 बस, और बस 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 बस, थोड़ी बहुत सी एनर्जी तो आ जाएगी भाई। एक सीन और हुआ मेरे साथ ना, मैं नीचे गया ना तो इन लोगों ने, जो पिछली बार भी हमने हलीम बनाया था, पिछली बार तो मैं ऊपर आके सो गया था, तो अब मुझे सबने बोला कि भाई पिछली बार तुम भाग गए थे, इस बार नहीं भागना। मैंने बोला ठीक है नहीं भागूंगा। वापसी हो गई है नीचे गाइस, अभी देखो सारे गोश्त को जो है ना वो बुरादा बुरादा कर दिया है, कि अब जो है ना वो डायरेक्ट हलीम में डले और फटाफट से मिक्स हो जाए, टाइम कम रह गया। अगर हम पूरा मोटा मोटा गोश्त डाल देते ना तो फिर जो है ना हमें फिर ज्यादा टाइम मिल जाता। देखो पहले इधर ये मिक्स हो रहा है, वाह वाह पापा सही बन रहा है, हलीम नहीं बन रहा पापा सही। भाई यहीं खड़े हैं कब से, जो जो गोठने आ रहा है उसके साथ ही लगे हैं। पापा ने कल ही शरबत बनाया है और आज हलीम बना लिया। गाइस अदाएं शुरू हो चुकी हैं और अब बैठ के हम वेट ही कर रहे हैं अभी तक। लगाओ भाई लगाओ, जल्दी 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 भाई, टाइम नहीं बचा यार। पहले हमने आपको दिखाया था तो व्हाइट व्हाइट सा हो रहा था, अभी जो है कलर आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह से, देख सकते हैं आप। हाय 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 हाय, भाई बैठने की जगह मिल गई चरपाई पे। हाय गाइस अब जो है ना सिर्फ आधा घंटा रह गया है, सब कुछ दल चुका है, गोश्त वोश भी दल गया था। हम लोग वहाँ बैठे बैठे वेट कर रहे थे कि यार अब कब होगा कब होगा कब होगा। थोड़ा गोटा मैंने लगा लिया, थोड़ा गोटा भैया ने लगा लिया, बाकी जो सारे ऊपर सो रहे हैं भी लेडीज वगैरह हैं, बस हम लड़के लड़के नीचे हैं। तो बस जैसे ही हलीम बनेगा तो फिर चखते हैं हलीम को कि कैसा बना है। अच्छा बना होगा तो बाहर निकाल लेंगे और बाहर निकाल के फिर बांटना शुरू, लेकिन अगर सही नहीं होगा तो दोबारा से फिर उसकी जो खराबी होगी वो सही करके फिर उसको बांटना शुरू। सुबह भी हो चुकी है भाई, हलीम चख रहे थे भाई कि कैसा बना है यार। एक बार और भाई मजे का तो हो रहा है, लेकिन परफेक्ट रेट के लिए ना एक बार और टेस्ट करना पड़ेगा। मजे का है, 10 में से कितने मास्क होंगे? 8 होंगे, 8। पापा आ जाए, पापा हलीम लग गया वहाँ पर, आ जाए आ जाए आ जाए, खा लेना पराठे भी हैं गरम गरम, आ जाए आ जाए। हाय 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 हाय, गर्मा गर्म पराठे लच्छेदार और उसके साथ हलीम। भाई जितने भी हैं ना मेरे दोस्त थे भाई थे सारे मुझे छोड़ के जा चुके हैं भाई, मैं और पापा अकेले अभी यहाँ खड़े हैं और हलीम देख रहे, तो हमारे साथ भाई भी हैं हमारे पड़ोसी। चले भाई, आए हाय 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 आए हाय हाय, भाई क्या बात है, आए हाय हाय, नंबर वन नंबर वन। भाई करते सुबह का फटाफट से नाश्ता। ओए होए 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 होए, भाई नाश्ता करते करते शुरू हो गई है बारिश। अब आप समझ जाओ सारी नींद उड़ गई, सारी थकन खत्म हो गई। सुभान अल्लाह माशाल्लाह भाई, सब थके हुए, सबको नींद आ रही है और अभी तक हलीम बन रहा है, हमने लेकिन नाश्ता कर लिया है, बट अचानक से बारिश जो हुई ना ये यार कमाल की बात है। पापा क्या बारिश हो गई, जबरदस्त बारिश हो गई। क्या हुआ भाई, हलीम में हलीम मैंने चले पानी भाई? नहीं नहीं भाई नहीं जाएगी, हलीम बन चुकी है भाई, तैयार है खाली तड़के के लिए रह गई है, रेडी हलीम हमारी। ओके इंशाल्लाह जो है थोड़ी बारिश रुक गया तो ये तड़का लग जाएगा, वरना तड़का दे देगा मसला करेगा मसला करेगा। अरे भाई भाई बारिश जो है वो और तेज होते जा रही है। ओ ओ ओ ओ भाई फट गई है तो भाई, यहाँ से ना फट जाए गई डायरेक्ट उसके अंदर। अभी तेज हो गई, तेज हो गई, तेज हो गई, अरे आओ ना आओ ना यार, बारिश में चाय आ गई, मजा ही आ गया। जब चाय में बारिश के पानी के कतरे गिर जाए ना फिर तो और ही लजीज हो जाता। भाई इतनी सी बारिश हुई है यहाँ पर तो हल्का हल्का पानी भी आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। भाई हलीम जो है वो बिल्कुल तैयार होके तैलियां बन के बटना शुरू भी हो गया है। यस मैं आ गया ऊपर और मैं जा रहा हूँ, मेरी आवाज़ बस सब सब खत्म।
तब जाऊंगा सोऊंगा, अपने आप को हील करूंगा, उसके बाद मिलते हैं आपको सुबह। तो भैया मैं बना रही हूँ शीरमाल की थैलियाँ, और जो खीर की सकोरी होती है वो हम आखिर में डालेंगे, क्योंकि खीर फ्रिज में पड़ी हुई और अगर बाहर है तो शायद ख़राब हो जाए, तो इसलिए वो जब मांस उठ जाएंगे, जब हम निकलने वाले होंगे तब डालेंगे। अभी हम बनाते हैं शीरमाल की थैलियाँ। तो भाई मैंने शीरमाल की थैलियाँ बना दी हैं। अब जब हम लोग बाहर जा रहे होंगे तो इसको दोबारा खोल के इसमें सकोरियाँ डालनी पड़ेंगी खीर की, क्योंकि खीर पड़ी हुई है फ्रिज में और अगर मैंने अभी निकाल के डाल दी तो मांस का भरोसा नहीं है कि वो कब निकल के जाए, फिर से ख़राब भी हो सकती है, तो मैं रिस्क नहीं ले सकती। अब हम उठाते हैं मांस को। मांस गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हो गई ये दोनों की। उठ जाए, पिछले आधे घंटे से उठा रही हूँ मैं आपको। बहुत नींद आ रही है, बहुत थक गया हूँ यार, गोटा लगा लगा के। कोई नहीं, मैंने तो एक दफा भी ऊपर से नहीं देखा आपने गोटा लगाया हो। ये ऐसा प्यारा डायलॉग तुमने मारा है, उठ जाता दिल कर रहा था, लेकिन मैंने बोला चलो थका पहुँच। उठ जाए। उठते उठते हो गए चार भाई, मैं सोया सुबह के 9 बजे। पापा तो यहाँ पर नाश्ता कर रहे हैं भाई। पापा कैसा था नहीं, आप तो खा गए, कैसा था? मैं सुबह ही नाश्ता कर लिया था, मजा आ गया था। आप खाए? जितनी मेहनत करी ना पापा ने सारी वसूल हो गई, और जितने भी लोगों ने की मेहनत हमारे साथ सारी वसूल हो गई भाई। वरना इसमें ये होता है कि आप जब बना रहे होते ना अपने घरों पे हलीम, कभी कभार जो है ना वो टेस्टलेस बन जाता है, कभी स्पाइस ज्यादा हो जाती है, कभी गोश्त कम हो जाता है, तो काफी सारे मसले हो जाते हैं, है ना बाबा? तो ये बहुत हमारे लिए अच्छा बना यार, बहुत मजे का बना है। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। हो गई मेरी मॉर्निंग, आपने खाया हलीम? अरे नहीं, आपको तो रोजा है। यस यस यस। सो गाइस मेरा भी नाश्ता जो है वो रेडी है, नाश्ते में है नान और हलीम। दो बार नाश्ता भाई, ये सही है यार। एक तो हलीम जब बन रहा होता है जब ही नाश्ता कर लो, और एक दूसरा जब सो के उठो जब करो। वाह, ये बाद में आखिर में डालेंगे जब आप फुल रेडी हो जाएंगे। अच्छा, क्योंकि फ्रिज में पड़ी हुई है। और एक शीरमाल के साथ ये खीर का पूरा पैक, लगभग 50-60 होंगी ये। 50 हो गए हैं भाई। बासिल और बासिल के पापा रेडी, और दोनों ने कैप पहना है भाई कमीशन वाले के ऊपर। तो भाई जा रहे हैं नीचे, और जितने भी सामान था ना हमारा शीरमाल का और खीर का, वो हमें बांट रहे हैं। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? खोल रहे हैं, ये आप खोलोगे? ये लो भाई, लगता है इन्होंने खोलना है। ये देखो भाई, इधर से खोलो इधर। अरे 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 अरे, तेज बंद हुआ ही हवा से, पता है? अच्छा, वो डर गए। गेट भी खुद ही इसने खोलना है, बाहर भी इसने खुद ही जाना है। जा रहे हैं ना, सफर तो कर जाओ, इतनी जल्दी किस बात की? चलो 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 चलो, पकड़ो 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 पकड़ो, लेट्स गो, चले 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 भाई। और क्या प्लान है? पहले ये बढ़ जाएगा, उसके बाद फिर आप मुझे अम्मी के घर छोड़ दीजिएगा। आज आप रोजा वहाँ खोलोगी? वाह, लेट्स गो, चलो। मेरा रोजा मुझे लग रहा है रास्ते में खुल जाएगा। खुल भी सकता है क्या पता, बांटते बांटते। आपका कैमरा कितना गंदा हो रहा है। वो यार बारिश हुई थी ना कल सुबह, उस वजह से हो गया। आप लोग बैठो, मैं आया। निकालो निकालो थैली, निकालो निकाल ली, एक थैली निकाल ली। चलो निकालो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वहाँ लोग बैठे हमको देते हैं भाई, हमें बैठे बैठे लोग जहाँ जहाँ दिखते जाएंगे हम देते जाएंगे, और कुछ रास्ते में भी देंगे। बैठ गए एक शॉप पर, चलो जी। अब कुछ आगे हमें दिखेंगे तो हम आगे भी दे देंगे। इधर ही बैठे हुए, हाँ इनको भी देकर आओ, जाओ एक थैली ले जाओ। ये बैठे हुए लोग इधर कहीं होंगे, आगे वो रे दो लोग, जितने सबको दो। शाबाश शाबाश, बांट दिया भाई। इधर आगे भी है। चलो 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 चलो, दो 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 दो, गुड 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 गुड, जल्दी 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 जल्दी। पर रोजा खुल जाएगा सब गाड़ी में, वरना आधा घंटा बचा सिर्फ रोजे में। पूरे पूरे रोड खाली है गाइस, इस टाइम तो रोडों पर इतना रश होता है ना, इतना रश। आज 10 मुहर्रम की जैसे सब जुलूसों में होंगे, आज बड़े बड़े कराची में बहुत जुलूस निकलते हैं, इस वजह से ना रोड्स भी हमारे यहाँ पर सारे ही बंद हैं ऑलमोस्ट, बस कुछ कुछ खुले हुए चंचन जहाँ से आप इजीली निकल जाते हो, बाकी सब बंद है, दुकानें शॉप। भाई इनको भी दो, इनको भी दो, इनको भी दो, इनको भी दो। चाचा को शीरमाल दो जल्दी। वो एक बंदे के पास कोयल है भाई। ओह ये बंदी बनाया हुआ है? नहीं नहीं, ये जख्मी था, कौवे ने मारा इसको। अच्छा, मैंने इसको पकड़ा, बैंडेज किया है इंशाल्लाह। अच्छा, सही हो जाएगी। वाह यार, बीमार लग रही है। इससे बड़ी बड़ी भी होती है? इतनी होती साइज में? साइज इतनी होती है, मतलब अभी बच्चा है, कुछ दिनों में ये सेट हो जाएगी। अच्छा, कितने ले रह गई? अभी की तेली रह गई है, उसमें जो है ना कुछ 4-5 तेलिया बची होगी। अच्छा गाइस, अब सिर्फ लास्ट तली बची है, तो जल्दी से लास्ट तली भी बांट देते हैं। क्या हो गया, क्या हो गया? बाल खींच रहे हो? लास्ट तली भी फिनिश, बांटते बांटते घर भी आ गए। बाय बाय, अल्लाह हाफिज। ओके, अच्छे से रखो, वो पता लग जाएगा 1 महीने बाद या कल ही। कल ही, आज ही, मतलब आज ही। बाय बाय, सब को तो छोड़ दिया, अब चलते हैं भाई वापसी घर, और घर जाके खोलते हैं भाई मोम लोगों के साथ रोजा। कल मोम लोगों के साथ रोजा नहीं खोला था क्योंकि मोम लोग थी नहीं, और आज जो है मोम लोग घर पर ही, मैंने घर पर ही खोलते हैं आज। चलो 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 चलो, पहुंच गए जी घर। अरे
खुलाइए। तैयारी कैसी है अफ्तारी की? वही है हलीम। मैं बोला कि आज आपके साथ करूंगा अफ्तारी। यस, तो लग चुका है यहाँ पर अफ्तारी का सामान। सुबह हलीम ही हलीम है अफ्तारी पे, और शरबत ही शरबत। मैं तो केले से रोजा खोला हूँ, मैंने अभी भी हलीम खाया था, सुबह भी हलीम खाया था, तो अब मैं हलीम नहीं खाऊंगा, केले से ही खोल देता रोजा। रात में क्या खाऊंगा? जो खाना होगा। खाना क्या होगा? हलीम ही होगा। और क्या? आज पूरे दिन ही हलीम खाना है, पूरे दिन ही हलीम। ठीक है भाई, रात को भी हलीम ही खा लेंगे, अभी केले से खाते। आप लोग खाएं। सो गाइस, तो इस व्लॉग को भाई इधर से एंड करते हैं। उम्मीद आपको पसंद आएगा व्लॉग को, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब मस्त कर दो। काफी थका हुआ मैं, तो सोच रहा हूँ कि अभी जो है ना आपके भाई का मौका है सोने का, अभी है मौका भाई, फिर मौका रात में नहीं मिलेगा, क्योंकि बेबी भी आ जाएगा तो वो 2:30 बजे सो रहा है भाई, वो फिर नींद पूरी नहीं होती, तो अभी बड़ी नींद आई हुई है, तो अभी सो जाएंगे फटाफट से। मजा आया भाई हलीम बनाकर, और आपने देखा हलीम बनते हुए, थोड़ा बहुत सा गोटा मोटा हमने लगाया था, बाकी इन लोगों ने भी लगाया था, और हमने एक्स्ट्रा बंदे ही बुलाए थे गोटे के लिए स्पेशली, क्योंकि पिछली बार जो है फिर हमें मशीन से लगाना पड़ा था। इस बार भी हमने मशीन में किया है, लेकिन हमने सिर्फ दाल की है, गोश्त मशीन में नहीं किया। इस बार हमने बड़ा अच्छा हलीम बनाया, और बहुत ही मजे का हलीम बना है भाई। हमारा जूस भी मजे का बना है इस बार हमारा हलीम भी मजे का बना है। 9-10 मुहर्रम गुजर गई है, मतलब दूसरा नहीं, सबसे पहले ही यही है कि भाई जो करबला का वाकया था ना, इसको जब जब इंसान सुनता है, जब जब उसे रोना आ जाता है, उसके गूस बम्स आ जाते हैं। मैंने व्लॉग में एक भी पार्ट नहीं लिया, लेकिन जो हमारे सामने टीवी है ना, हम लोग उसमें मजली से सुनते थे लगाकर, पापा मैं मम्मा बैठ जाते थे, सुन लेते थे, लगी रहती थी, सुनते रहते थे, तो बड़ा मजा आता है यार। करबला का वाकया है और ये हमेशा जिंदा ही रहे। सो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। और एक चीज, जो आप लोगों ने लंगर किया है, आप लोगों ने बांटा है, अल्लाह ताला वो कबूल करे, आमीन।